रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। जडेजा भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज और गेंदबाज हैं। रविंद्र जडेजा का पूरा नाम रविंद्र सिंह अनिरुद्ध सिंह जडेजा है। इनका जन्म 6 दिसंबर 1988 को गुजरात के जामनगर जिले में एक मध्यवर्गीय घर में हुआ। इनके पिता का नाम अनिरुद्ध सिंह जडेजा और माता का नाम लता जडेजा है। इनके पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा आर्मी में थे। उनको सेना में चोट लग गई थी तो उनको सेना की नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर बाद में वे एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे और उनकी माता एक नर्स के रूप में काम करती थी। जब जडेजा 17 वर्ष की उम्र के थे तो उनकी माता का निधन हो गया था। जडेजा के पिता हमेशा यही चाहते थे कि रविंद्र आर्मी में एक अफसर बने, लेकिन रविंद्र की रुचि क्रिकेट में ज़्यादा थी और वह क्रिकेट में ही आगे बढ़ना चाहते थे। जब उनकी माता का निधन हुआ तो उनको बहुत बड़ा सदमा लगा और वह हमेशा उदास रहने लगे। उन्होंने क्रिकेट से दूरी बनानी भी शुरू कर दी। इस पर उनकी बड़ी बहन नैना ने उनको सहारा दिया और परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह नर्स बन गई। जिस वर्ष रविंद्र की माँ का निधन हुआ उसी वर्ष 2002 में रविंद्र को सौराष्ट्र की टीम में स्थान मिल गया था। सौराष्ट्र अंडर 14 टीम की तरफ से रविंद्र ने अपने पहले ही मैच में 72 रन पर 4 विकेट झटके और 87 रन बनाए। रविंद्र के अच्छे प्रदर्शन के कारण उनको अंडर 19 टीम में स्थान मिल गया। रविंद्र ने इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट झटके और फाइनल में पाक के खिलाफ 16 रन पर 3 विकेट झटके। उस समय पाकिस्तान सिर्फ 125 रन ही बना पाया था, हालांकि यह मैच भारत जीत नहीं पाया था। रविंद्र का अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू 8 फरवरी 2009 को श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में हुआ। उन्होंने इस मैच में 77 गेंदों में नाबाद 60 रन बनाए। उसी साल 10 फरवरी को T20 डेब्यू भी कर लिया था। उनका 13 दिसंबर 2012 को नागालैंड में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हुआ। रविंद्र को आईपीएल में सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 2012 में 14 करोड़ रुपए में खरीदा। फिर बाद में चेन्नई सुपर किंग्स के खेलने पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद रविंद्र को गुजरात लॉयंस ने 9.5 करोड़ में खरीदा। 2 साल के प्रतिबंध के बाद वह फिर से चेन्नई सुपर किंग्स में नजर आए। रविंद्र जडेजा की पत्नी का नाम रीवा सोलंकी है। इनकी 5 फरवरी 2016 को सगाई हुई और 17 अप्रैल 2016 को रविंद्र जडेजा की शादी हुई। इनकी एक बेटी है जिनका जन्म 2017 में हुआ।